ये प्रेस वार्ता की है, इसमें हमारी तीन डिमांड है। 26 सितंबर को पाट गांव में, घटिया के पास जो पाट गांव में है, उसमें एक भीषण दुर्घटना हुई जिसमें 120 भेड़, 2 ऊंट और एक पशुपालक भाई को कुचल दिया गया, लेकिन आज तक ट्रक की गिरफ्तारी नहीं हुई है, आज तक कोई ड्राइवर की गिरफ्तारी नहीं हुई है, नो एक्शन। एक नंबर वो है कि तुरंत गिरफ्तारी किया जाए, तुरंत एक्शन हो। नंबर 2, उस परिवार को मुआवजा दिया जाना चाहिए, जिसे हमने मांग की है कि भेड़ पालक के लिए 1 करोड़ रुपए होने चाहिए, जो उसके पशु मारे गए हैं उनकी ये 25 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए, और उस परिवार में से एक बच्चे को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। नंबर 3, जो ये दुर्घटना क्यों हुई, कारण क्या है, क्यों? क्योंकि एक तरफ खेतों की तारबंदी हो गई है, दूसरी तरफ हो गई है कि जंगल बंद हो गए हैं, तो ये जो भेड़ पालक हैं वो जाएंगे कहाँ पे? ये रोड पे चलने को मजबूर है, इसलिए उनके लिए चराई का अधिकार होना चाहिए, जंगल खोले जाने चाहिए, ये नंबर 3 पे है। और नंबर 4, जो अभी जो ट्रेडिशनल उनके रूट्स हैं वो खोले जाने चाहिए, उनको सुरक्षा व्यवस्था दी जानी चाहिए। मेरा नाम लाल सिंह राय का है और मैं राष्ट्रीय पशुपालक संघ के अध्यक्ष हूँ। मेरे जो साथ में सौरभ है वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, यहाँ पे मेरे साथ में कपूर जी हैं जो हमारे पशुपालक संघ के उपाध्यक्ष हैं, और मेरे दूसरे साथी रामू जी हैं, वो हमारे यहाँ के समाज सेवी हैं जो पूरे इंदौर में हैं। हमारे साथ में जोर जी हैं जो यहाँ हमारे लंबरदार हैं, पटेल हैं, और हमारे रूपा जी हैं।